देखो परिमेय संख्याओं का गुणन व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है। यदि दो परिमेय संख्याएं, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं और उनका गुणनफल क्या आ रहा है, एक आ रहा है, यानी पहली संख्या जो होगी वो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम होगा, या दूसरी संख्या जो होगी वो पहली संख्या की क्या होगी, व्युत्क्रम। जैसे मान लो ए है, यदि कोई संख्या है ए, तो ए का गुणन जो है, गुणन व्युत्क्रम कितना होगा बता सकते हो, गुणन व्युत्क्रम कितना होगा? ऐसी किस संख्या में ए का गुणा करें कि आंसर वन आए, सोचो ऐसी किस संख्या का गुणा करें ए में कि आंसर वन आए। तो देखो अगर जो कोई संख्या दी हुई है ए, क्या दी हुई है ए, तो ये हो जाएगा इसका गुणन व्युत्क्रम वन अपॉन ए, क्या हो जाएगा वन अपॉन ए, और ए से ए कैंसिल होगा तो कितना आएगा वन आएगा, वन आएगा नहीं आएगा। उसी तरीके से मान लो यहां दिया हो कोई संख्या 43 का गुणा जो है व्युत्क्रम निकालना है, तो इसका गुणन व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ गुणन व्युत्क्रम कितना होगा, वन अपॉन 43, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वन, कितना आएगा वन। यानी गुणन व्युत्क्रम वो संख्या होती है जो दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल कितना आए, एक आए, वन आए। क्लियर है सबको, क्लियर है कि नहीं? अब जैसे मान लो अब कोई परिमेय संख्या a अपॉन b है, क्या है a अपॉन b दिया हुआ है, अब a अपॉन b का क्या निकालना है, गुणन व्युत्क्रम निकालना है। अब कैसे निकालोगे भैया, अब तो बहुत कष्टदायक हो गया, कैसे करोगे हाँ? कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं खिलाना है, यहाँ पे a अपॉन b मल्टीप्लाई क्या कर दे कि वन आ जाए, तो सिंपल सी बात है इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर लेते जाओ इसको नीचे लेते जाओ, यानी b अपॉन a। अब देखो b अपॉन a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो b भी कैंसिल, a कैंसिल, कितना बचा वन। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो ये लिख सकते हो a अपॉन b का गुणन व्युत्क्रम बराबर होगा a अपॉन b के पावर माइनस वन, और तुम्हें फॉर्मूला याद होगा a अपॉन b के पावर माइनस n की वैल्यू या माइनस m की वैल्यू क्या होती थी, b अपॉन a के पावर m। जस्ट क्या करते थे, उसको ऐसे 360 घुमा दो, कितना घुमा दो 360 घुमा दो, पूरा रोटेशन कर दो 180 डिग्री घुमा दो। जैसे a यहाँ पे है अपॉन b है, तो a को यहाँ लेते आओ और b को यहाँ लेते जाओ, बस यही होता है गुणन व्युत्क्रम। क्लियर है? अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ दिया हुआ है माइनस 8 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा, हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, प्लस वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए प्लस वन, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे माइनस 8 का गुणन व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 8, क्यों, अगर जो इसको चेक करोगे माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या लाना है, ओनली 1 लाना है, तो हम जो व्युत्क्रम निकालेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जो संख्या से गुणा करने पर क्या आए, वन आए। जैसे
यहाँ पे लिखा है 5 upon -7, क्या लिखा हुआ है 5 upon -7 का गुणन व्युत्क्रम। तो इसका गुणन व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, उल्टा कर दो, यहाँ इसको लेते जाओ, इसको यहाँ लेते जाओ, तो क्या हो जाएगा -7 upon 5। अब इसको चेक करना है तो देख लो, 5 upon -7 multiply -7 upon 5, 5 का 5 कर देंगे कैंसिल हो गया, -7 का -7 यानी होना है। क्लियर हो गया, कर लोगे, हाँ पक्का हो जाएगा। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन है कि प्रूव करना है तुमको LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है -3/15/25 = -3/15, ठीक है। ये कह रहा है क्या इसके इक्वल है, क्यों क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं है भाई, है? अरे ये वाला साइड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा दाया पक्ष, कौन सा पक्ष हो गया, दाया पक्ष, और ये क्या हो गया बाया पक्ष। तो हमें देख लेना है बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष होना चाहिए, तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा। अब 15 का गुणा जाए तो -3 में करोगे कितना आएगा, 15 3 कितना होता है, 15 3 45, तो ये हो जाएगा -45। ये हम अभी कौन सा पक्ष ले रहे हैं, बाया पक्ष लेके चलना है, अभी दाया पक्ष नहीं लिए, बाया पक्ष बराबर ये यानी -3/15, यहाँ लिख दो -3/15/15/25, अब बराबर हो जाएगा ये किसके, -3/15 = -45, और ये 15/25 करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 375, ठीक है, कितना आ जाएगा 375। अब हम दाया पक्ष लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे दाया पक्ष, अब दाया पक्ष बराबर कितना है 15/25 - -3/15, फिर इसका गुणा करोगे तो 15/-3 कितना हो जाएगा 15 - -3 - 45, और सेम तो है 25 को 15 में करोगे तब भी 375 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों संख्या बराबर है ना, तो यहाँ लिख सकते हो कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे गुणन व्युत्क्रम के देंगे, ठीक है, जैसे 19 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, ठीक है, -38 का क्या होगा, क्या गुणन व्युत्क्रम, क्या गुणन व्युत्क्रम, तो कितना होना चाहिए -19 का क्या हो जाएगा गुणन व्युत्क्रम 1/19, और 20 का 1/20, और -38 का 1/-38, ठीक है, यही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब इसी में मान लो तुम्हारा ये दिया हुआ है 13/74, तो इसका गुणन व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 74/13, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, कर लोगे ना, आसान है, करके देखो।